पॉइंट डी बनाएंगे ऑन बी वाई ये पॉइंट डी बनाया ये कितने डिस्टेंस पे है बी डी कितना डिस्टेंस पे है तो बी डी है 3.5 सेंटीमीटर पे हमने क्या किया बी डी बनाया एट 3.5 सेंटीमीटर बिकॉज़ ए बी माइनस ए सी इज 3.5 अब क्या करेंगे डी को सी के साथ जॉइंट कर लेते हैं सो ये हो गया अब क्या करेंगे अब हम कर सकते हैं ये जो सी डी जो मिला उसका परपेंडिकुलर बाईसेक्टर बनाते हैं ये जो साइड सीडी मिली उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते कैसे परपेंडिकुलर बाई तो सी को सेंटर लिया आर्क बनाया दोनों साइड अब वैसे ही डी को सेंटर लेंगे और आर्क बनाएंगे तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पॉइंट पी और क्यू पे कहीं कर रहे हैं ज्वाइंट कर लेंगे अगर उसे ज्वाइन करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर तो मिल जाएगा सी डी का सो ये हो गया परपेंडिकुलर बाई अब हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाई को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे इस साइड कहीं पे एक्सटेंड कर लेते हैं तो यहाँ पे जहां इंटरसेक्ट करेगा

और 90 डिग्री का बाई बनाएंगे सो 45 डिग्री मिल जाएगा सो एंगल YBC बी इज फोर्टी डिग्री विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास नाउ वी विल कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन BD डी That should be equal to 3.5. क्यों 3.5? क्योंकि हमें given है AB minus AC is 3.5. अब क्या करेंगे? D से C को join कर लेंगे. So we'll join CD. अब CD का परपेंडिकुलर bisector बनाएंगे. So परपेंडिकुलर bisector बनाने के लिए C और D को एक-एक करके center लेंगे और arcs cut करेंगे आर कट होगी पी और क्यू पे तो पी क्यू को ज्वाइन करेंगे दैट विल बी द परपेंडिकुलर अब पी क्यू को एक्सटेंड करेंगे तो वो कहीं इंटरसेट करेगा बीवाई को एट पॉइंट ए ए मिल गया तो ज्वाइन ए सी सो विल गेट ट्राइंगल ए बी सी सो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल सो दिस दिस क्वेश्चन आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ थैंक यू